हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक है और मैं हरियाणा से हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। जो इंडस्ट्री आज के इस ज़माने में, आज के इस युग में सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाली इंडस्ट्री है। आप लोगों के सामने जैसा लिखा हुआ है, इस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों को मेरे से ये सवाल होता है, पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, और आपके सामने भी वाई नेटवर्क मार्केटिंग, माय नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला कारण, क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप यहाँ से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप कोई काम शुरू करें, उस काम को कुछ टाइम करने के बाद अगर आप उस काम को करना कम कर दें या किसी कारण से उसको आप छोड़ भी दें, तब भी वहां से आपको इनकम आती रहे, तो उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि अगर कोई राइटर बुक लिखता है, लिखने के बाद जब मार्केट में हो जाती है तो उसके बाद वहां से जब उसकी बुक बिकती है तो बहुत सारा वहां से पैसे इनकम वो कमाते हैं। जैसे कि आप वीडियो देख लें, वीडियो अगर हम लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं या मूवीज बनाते हैं, तो वो जब मूवी लोग देखते हैं तो वहां से पैसे इनकम मिलती है। या मान लीजिए कोई आप लोग कोई फैक्ट्री या कोई पीजी या किसी तरह का आप किराए का मकान आप छोड़ देते हैं, तो जब जब किराया आता है तो वो पैसे इनकम होती है। तो ये जो है कि हर चीज में टैलेंट और पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसमें सबसे पहला कारण जो है वो है कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। दूसरा कारण, बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस बिल्कुल रिस्क फ्री है, यानी कि जिस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आप जैसा देख पा रहे होंगे सामने एक फोटो है जिसमें काफी सारी लकड़ी लगी हुई है, उसमें से उन्होंने ऊपर से कुछ लकड़ियां हटाई हैं यहाँ से, तो लेकिन वो गिरा नहीं। इसी तरह नीचे तक आप लकड़ी नीचे से निकाला हुआ लेकिन ये गिरा नहीं, यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये गिरेगा नहीं। आपको इस बिजनेस में करने में किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता। तीसरा कारण, इसलिए भी हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की, यहाँ इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है। कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में आप इसे शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के साथ शुरू कर सकते हैं, नौकरी के साथ शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ शुरू कर सकते हैं। आप कैसे भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, आप नेटवर्क मार्केटिंग को आप शुरू कर सकते हैं, तो कहीं भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। चौथा आता है पार्ट टाइम बिजनेस। सबसे जो अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि इसे आप पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं, और ये सच्चाई है कि ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग होता ही पार्ट टाइम करने का, यानी कि आप नौकरी करें पढ़ाई करें, यानी जो टाइम आपके पास फालतू का बचता है, जिसमें हम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम इस चीज में जिसे यूज करते हैं या टीवी सीरियल्स देखने में यूज करते हैं, उस टाइम का यूज करके हम इसे पार्ट टाइम में बिजनेस को इसको बिल्ड कर सकते हैं। पांचवा कारण ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तो यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो प्रीवियस रिक्वायरमेंट, किसी भी तरीके के पिछले जो एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है किसी एक्सपीरियंस की तो कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होगी। इसको कोई भी इंसान कह सकता है, इसको किसी भी धर्म का या किसी भी तरीके का कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, ये सच्चाई है कि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं पड़ती। छठा कारण ये है, यू कैन हेल्प पीपल अर्न, यानी कि आप लोग यहाँ पे लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं, इसलिए भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं कि यहाँ से पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, तो यहाँ से पैसा भी बहुत अच्छे से कमाया जा सकता है। उसके बाद कमाया जा सकता है और लोगों को कमवाया जा सकता है पैसा, लोगों को पैसा कमवाने में लोगों की मदद की जा सकती है। और सातवां, जो आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन किस इंडस्ट्री में आपको मिलता है, डायरेक्ट जो नेटवर्क इंडस्ट्री होती है, सबसे ज्यादा मान सम्मान, नाम, इज्जत, शोहरत आपको सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाता है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए भी हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हमें मान सम्मान दिया जाए, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, हमें फूल बुके, हमें अवार्ड्स हमें मिले यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी जाती है, इसलिए भी इसको करना चाहिए। आठवां दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने से खुद का पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। खुद का पर्सनल ग्रोथ यानी कि आप लोग अपने अंदर ग्रोथ कर पाते हैं, कि जैसे कि आपका बोलने का तरीका, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बात चलने का तरीका, आपका बिजनेस करने का तरीका, बहुत सारी आपकी जो पर्सनल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है, रहना सहना खाना पीना सब यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना चाहिए। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि आप लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी में अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं, इस इंडस्ट्री के कारण आप लोग पूरे दुनिया में अपना एक नाम और अपना एक पहचान बना सकते हैं, इसलिए भी ये बिजनेस हमें करना चाहिए। दसवां पॉइंट ये है कि लिव ए लेगेसी फॉर जनरेशन, आप यहाँ से एक ऐसी लिगेसी, एक ऐसी बिजनेस, आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लोग अपने जनरेशन के लिए छोड़ के जाते हैं, कि ऐसा बिजनेस, एक ऐसा इनकम सोर्स आप यहाँ से छोड़ के जाते हैं कि जो आपकी कई पीढ़ी तक, कई जनरेशन तक वो लोग उससे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये इसलिए करना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप सफलता की चाबी, आप यहाँ पे एक ऐसी चाबी अपना दे के जाते हैं कि जो कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उनके बच्चे, कभी उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती, उनकी जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आ सकती। इतना ज्यादा पैसा आप लोग यहाँ पे कमा के, इतना बड़ा अपमान सम्मान, इतना बड़ा इज्जत शोहरत आप लोग यहाँ पे कमा के जाते हैं, तो इसलिए भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 2021 से 2030 तक का जो अभी जो साल, जो अभी जो ये चल रहा है टाइम, जो इस टाइम में सबसे ज्यादा जो बिजनेस करेगा, जो सबसे ज्यादा जो अभी जो सफल, जहां पे सफलता मिलने वाली, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप लोगों ने अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो जरूर आप स्टार्ट करें इस बिजनेस को। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि फायदा क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन हम किस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को करें, ये जानना बहुत जरूरी है। कंपनियां बहुत सारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एज ए लाइफ हम किसी गलत कंपनी को सिलेक्ट करें। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमें किस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये चीजें आपको अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करना और इसको वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।